राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर सबसे अच्छे ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में, सबसे अच्छी जो टिल्डिंग हमारी फसल के अंदर बना सकते हैं उन खादों के बारे में। तो यहाँ पर 2 से लेकर 3 खादों के बारे में आपको बताया जाएगा, और इन 2 से लेकर 3 खादों को यदि समय रहते अपनी धान की फसल के अंदर आप डाल देते हैं तो किसान भाइयों, आपकी धान की फसल के अंदर मात्र 15 दिन के अंदर कल्ले ही कल्ले आपको नजर आएंगे। जो आस पड़ोस वाले हमारे किसान भाई हैं, वे भी आपसे आकर के ये पूछेंगे कि आपने अपनी धान की फसल के अंदर ऐसा कौन सा खाद डाला है जो इतनी अच्छी तरीके से टिल्डिंग आपके धान की फसल के अंदर आ रही है। तो 3 खादों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तीनों खादों को आपको बिल्कुल उसी समय पर डालना है जिस समय पर किसान भाइयों आपको बताया जाए। तो यहाँ पर किसान भाई, सबसे पहला जो खाद आपको लेना है, सबसे पहला खाद लेना है आपको यूरिया। यूरिया की जो मात्रा यहाँ पर किसान भाई धान की फसल के अंदर आपको लेनी है वो लेनी है 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये एक ऐसी डोज है, ये एक इतनी ऐसी मात्रा है किसान भाई खाद की जो धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कम से कम 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा धान की फसल के अंदर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो धान की फसल होती है स्टार्टिंग से ही अपनी जड़ को अच्छी तरीके से पकड़ के चलती है। धान की स्टार्टिंग से ही ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और धान आपका बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ता। तो 40 से लेकर 45 किलोग्राम आपको यूरिया की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। दूसरे खाद के रूप में किसान भाइयों यहाँ पर जो आपको लेना है वो उपयोग में लाना है आपको टेक्नोजेड। अब टेक्नोजेड जो ये आता है किसान भाइयों सल्फर मिल्स कंपनी का, जो सल्फर मिल्स कंपनी का टेक्नोजेड है इसके अंदर आपको सल्फर और जिंक इन दोनों की मात्रा किसान भाइयों देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जिंक और सल्फर सिर्फ इन दोनों के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा 21% वाली जिंक और सल्फर भी आती है, 33% वाली जिंक सल्फर भी आती है, लेकिन किसान भाइयों इसके अंदर आपको 65% के आसपास मात्रा देखने को मिलती है। तो इसके जो रिजल्ट हैं उनके मुकाबले और भी बेहतर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपका बजट कम है, हल्का है, तब आप 21% वाली या 33% वाली का उपयोग कर सकते हैं। इनकी जो कीमत है वो लगभग 350 से लेकर 450 रुपये के आसपास तक रहती है। और यदि आपका बजट ठीक है, आप और भी अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो किसान भाइयों सल्फर मिल्स कंपनी के टेक्नोजेट को आप ले सकते हैं। और इसकी जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, जिसमें सल्फर और जिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी धान की फसल के अंदर जिंक का सबसे बड़ा महत्व देखा गया है। यदि धान की फसल के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो किसानों हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और हमारी फसल के अंदर रोग भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो आपको फसल की ग्रोथ भी चाहिए और रोग भी ना लगें तो जिंक सल्फेट का उपयोग आपको करना चाहिए या फिर टेक्नोजेट का उपयोग आपको करना चाहिए। इसकी कीमत की बात करूं तो ये मार्केट में आपको लगभग 700 से लेकर 750 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। बात करते हैं तीसरे खाद के लिए कि तीसरे खाद के रूप में हमें क्या लेना है। तो तीसरे खाद के रूप में आपको किसान भाइयों लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का इस्तेमाल करना चाहिए। सागरिका एक बहुत अच्छा और शानदार ग्रोथ प्रोमोटर है। इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो इससे हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से कल्ले बनाने में और टिल्लिंग बनाने में हमारे खेत की, हमारी फसल की काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगी और हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर पाएगी। तो इस तरीके से इन तीनों खादों को आपस में आप एक साथ मिला लीजिए और मिलाने के बाद अपने धान की फसल के अंदर इनका उपयोग कर दीजिए। ध्यान दें, खेत के अंदर यदि नमी बनी हुई है बहुत अच्छी बात है, और नमी नहीं है तो इन खादों को डालने के तुरंत बाद ही आपको अपनी धान की फसल की सिंचाई कर देनी है, जिससे कि आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके, अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके और उसके अंदर कल्ले ही कल्ले आपको नजर आएं। इन खादों को यदि आप डालते हैं तो मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके आस पड़ोस वाले किसान भाई जो हैं वो आकर के आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने धान की फसल के अंदर कौन से खाद का उपयोग किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।